गाइस गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज बहुत देर हो गया, मैं इंट्रो देना भूल गई थी। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आज चेरी का हमारी मैं बंगाली हूँ तो बंगाली का एक रिसेप्शन होता है जिसको बोलते हैं शाद। तो आज चेरी का वही है। तो मैंने पूजा पाठ करा है चेरी को, बहुत अच्छे से चेरी को पूजा कराया है। तो वही टीका लगा के रखी हूँ, चेरी को भी टीका लगाई हूँ। अभी चेरी को रेडी कराएँगे, फिर साथ खिलाएँगे। तो वीडियो पे बने रहना और आखिर तक देखना। और हम तो गरीब शरीफ इंसान है तो नॉर्मल फ़ोन में वीडियो बनाते हैं। तो चेरी भी आ गए यहाँ पे, ये देखो बाबा। तो इसके कहीं पे कुत्ते देखे हैं तो इसलिए चिल्ला रहा है। तब से वो छोटा वाला कुत्ता चिल्ला रहा है, दूसरे को तो ये भी चिल्ला रहा है। तो वीडियो पे बने रहना और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पे सभी नए ही होंगे क्योंकि मेरा चैनल फर्स्ट टाइम है। तो मैं फेसबुक पे, मेरा पेज है द स्पीच चेरी, ना चेरी द स्पीच ऐसा कुछ नाम है, मैं गलत बोल रही हूँ। तो मेरा न्यू अकाउंट है, सब फॉलो कर देना। तो चलिए वीडियो पे बने रहते हैं, देखते हैं। तो गाइस ये है पहले वाले रात में, रात का वीडियो जब कैसे सो रहा था चेरी। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वो करा। तो देखो कैसे मासूम की तरह सो रहे था, और कुछ गलत मत बोलना, ऐसे सो रहा था। मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं फ़ोन देख रही थी ना, घर पे ही थी। तो मैंने थोड़ा सा पेट में मसाज कर दिया इसके, और ये और भी मासूम की तरह सो रहा था। तो कल है चेरी का साथ, इंट्रो तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो आज से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा, और मैंने नेल पॉलिश लगाया था नया वाला। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अभी इसको सोने देते हैं। तो पहले दिन सुबह ही सुबह उठ के मैंने थोड़ा सा चेरी, नींद से उठ के चेरी को प्यार करा बहुत से बार। मतलब सुबह उठ के मेरा पहला काम होता है चेरी के साथ में थोड़ा मजाक करना, मस्ती करना। और चेरी को हो रहा था बहुत खुजली, तो डॉक्टर के पास जाना था, मार्केट से सामान लाना था आज, और घर को इग्नोर करना क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं करा आज सुबह उठ के। तो इग्नोर करना घर को, और घर में काम चल रहा था ना ऊपर। तो मैं निकल गई हूँ बाज़ार के लिए, पीछे मम्मी भी है। तो अभी साइकिल पे चल रहे हैं मैं और मम्मी बाज़ार की तरफ। तो ये देखो मेरा नया शूज़। तो अभी मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं। तो उसके पहले चेरी का दवाई लेना होगा, तो चले गए डॉग सेंटर में। डॉग सेंटर में देखो कितनी प्यारी प्यारी, यहाँ पे एक इंडियन स्पीच, दो इंडियन स्पीच था और एक जर्मनी स्पीच था। तो चेरी का जो हस्बैंड था उनके बच्चे, तो देखो क्या जो भग कर रहा था। लोगों ने देखा है बच्चे कैसे भौंक रहे थे। तो हम फिर चले गए फ्लावर शॉप में, फ्लावर शॉप में जाके फूल वूल लिया, माला वाला लिया। तो उसके बाद चले आए घर पे, दरवाज़ा खोलते ही चेरी मतलब रोज़ दौड़ के आता है, आज दौड़ के भी नहीं आया, ऊपर ही खड़ा था बैठ के ऊपर, क्योंकि उसको बार बार नीचे आने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके लिए लाया था केक, फ्रूटी और वे बहुत खाने का सामान। तो थोड़ा सा मम्मी को देख के वो ज़्यादा ही कुछ कर रहा था। तो अभी देखो मम्मी आएगा तो कैसा करेगा, कैसा करता है, ये प्यार करता है बहुत। तो मम्मी आएगी, मम्मी को देख रहा था, अपना पूछ हिला रहा था बहुत। तो देखो कैसे पूछ हिलाता है, मतलब मम्मी ने बहुत सामान लाया था, मिठाई विठाई लाया था सब देने के लिए इसको आज। तो देखो कैसा कर रहा था, पूछ हिलाया जा रहा था, हिलाया जा रहा था। फिर मैंने बोला तुम्हारे लिए देखो क्या क्या लाई हूँ, फिर मैंने थोड़ा दिखा दिया क्या क्या लाई हूँ। फिर जब खाने के टाइम पे आएगा ना तब देखना। हाँ ये बोल रहा था बैग में क्या है, बैग में क्या है, वो देखना चाह रहा था। तो देख लिया जैसे कि बैग में क्या है, फिर शांत हुआ थोड़ा सा, फिर देख रहा था केक के पैकेट पे। फिर देखो मैं अपना फेस भी दिखाती हूँ थोड़ा सा, कितना गंदा दिख रही थी मैं। तो देखो कैसा क्यूट बच्चा है मेरा। तो उसके बाद कूद के थोड़ा बाहर चला गया, और फिर मैंने कड़ा पूजा। तो मम्मी खड़े होके बोल रहा था क्या करा, और ये है हमारा गोपाल, मतलब कृष्ण भगवान जो बोलते हैं उनका छोटा वाला रूप। तो चेरी भी मेरे साथ में पूजा कर रहा था। तो यहाँ पे पानी वानी था, मैं नहा रही मतलब गोपाल को नहला रही थी ना। तो चेरी को बोला था मैंने यहाँ पे बैठे रहो, तो चेरी देखो चुपचाप यहाँ पे ही बैठे रहेगा पूरा पूजा टाइम पे। मम्मी चली गई थी किचन में चेरी के लिए खाना वाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ये सामने ही छोड़ दिया था। फिर देखो कैसे बैठा था, गोपाल से कितना प्यार कर रहा था चेरी, देखो कितना प्यार कर रहा था, चाट दिया रहा था, फिर किस कर रहा था इनको। फिर चेरी को मैंने थोड़ा सा प्यार करा, फिर वीडियो ऑफ करके जो माला है, माला को थोड़ा सा मतलब जो काट के गोपाल के लिए आधा बनाना है, चेरी के लिए आधा रखना है। तो गोपाल हमारा छोटा है बहुत,
तो चेरी पास में बैठ के देख रहा था कैसे क्या पूजा कर रही हूँ मैं। तो देखिए आप लोग, और आप लोग नए होंगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी। देखो पहले आके भी दिखा रही थी मैं, कितना अच्छा लग रहा था चेरी, आखिर तक देखना चेरी कितना स्वीट दिखेगा। फिर माला से थोड़ा थोड़ा फूल निकाल के उसको बांध रही थी, क्योंकि नहीं फूल निकालूंगी तो धागा नहीं बांधा जाएगा। तो देखो धागा वागा बांध लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को पूजा का सामान। देखो यहाँ पे मिठाई विठाई था, पानी वानी, फ्लावर, गोपाल को भी सजा दिया था मैंने। तो यहाँ पे मीठा था, फल था, फूल था, बहुत कुछ। चेरी किसी का आवाज़ सुन के दौड़ के चला गया था खिड़की की तरफ में। तो ये देखो आखिर तक मैंने कैसे पूजा करा, कितना अच्छा लग रहा था हमारा मंदिर। तो यहाँ पे था सिंदूर, ये देखो मिठाई विठाई, फल वल, गुड़ वूड़ सब दिया था मैंने। तो देखो प्रदीप भी जलाया था मैंने। मैं ज़्यादातर टाइम पर पूजा नहीं करती हूँ, आज पर पहली बार कर रहा हूँ। तो देखो फिर खाना वाना क्या क्या दिया, फल वल। चेरी भी बैठ के ऊपर से देख रहा था क्या क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ। फिर आखिर तक थोड़ा पूजा करा चेरी के ऊपर, थोड़ा सा पूजा पहली बार कर रहे हो ना, तो चेरी को थोड़ा सा दिया जला के वो आशीर्वाद बोलते जिसको आशीर्वाद कर रही थी। फिर देखिए फिर मैं भी टीका लगा रही हूँ, तो फ़ोन में ही देखे टीका गलत जगह पे लग गया था। फिर खाया मैंने नाश्ता, करा दोपहर को 2 बजे मैंने नाश्ता करा। खाने में था पूरी, सब्जी और मिठाई। तो ये देखो चेरी क्या कर रहा था, चेरी को टीका लगाया था मैंने, और यहाँ पे था चेरी का कपड़े चेरी को रेडी करने के लिए। तो मैं आज रेड कलर का एक ग्राउन पहनाऊंगी चेरी को, और ऊपर दुपट्टा भी रेड कलर का। तो चलिए अब सजाते हैं। यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही थी इसका, मतलब खाने का सामान, और ये बैठ बैठ के देख रहा था। इसमें मिठाई दिया और खाने में बहुत कुछ था, चिकन था, अंडा था, मिठाई था, पापड़ था, दही था, और चावल था, और भी बहुत कुछ था। इसका 2 बिस्किट था, यहाँ पे आसन भी लगा दिया, चेरी भी रेडी है, यहाँ पे केक भी लाया था, फ्रूटी, फल, और दिया जलाया था, उसका बिस्कुट भी लाया था, पेडिग्री लाया था, बहुत कुछ लाया था मैं इसके लिए। तो ज़्यादातर तो चीज़ें मम्मी ने ही लाया, और फिर मम्मी ने केक कटाया इससे, हैप्पी साथ बोल रहे थे हम लोग सब मिलके। तो इसका केक कटा के मम्मी ने पहले खिलाया, और इसका चेन को इग्नोर करना क्योंकि इसका पेट निकल गया ना, तो अभी चेन नहीं अटक सकता, तो ऐसे ही चेन खुला ही छोड़ दिया। चेन को इग्नोर करना प्लीज़। तो देखो कैसे खा रहा है चुपचाप, अच्छे बच्चों की तरह। तो चेरी ऐसे नहीं बैठता, और भैया पास से बोल रहा था तेरा फ्रूटी मैं खा ले तू, तेरा फ्रूटी मैं खा ले तू, खा लो खा लो। तो चेरी देख रहा था और केक खा रहा था, चेरी को बार बार सब खिला रहे थे, चेरी को केक, भैया ने खिलाया, भाभी ने खिलाया। फिर मैंने चावल बना दिया, मतलब चिकन से चावल इसका थोड़ा सा मिक्स कर दिया ना, तो चेरी फिर मैं मिक्स करते करते चेरी खा रहा था देखो। तो फिर मैंने इसको खिलाया, और भैया ने इसका फ्रूटी ले लिया था ना, भैया बोल रहा था थोड़ा सा फ्रूटी दे ही देती उसको, नहीं तो मेरा पेट खराब करेगा। फिर भैया ने इसको थोड़ा फ्रूटी भी दिया, और खाने के बाद ये ऑल टाइम फल खाते ना, तो ये फल खा रहा था और खाना भी खा रहा था। तो ऊपर भाभी बैठी थी, तो खाना खाते हुए मैंने शॉट लिया इसका, और वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज करके करके दिया, सारे चम्मच खा लिए। फिर मैंने गया था दोस्त के घर, वहाँ से आके देखो कितना प्यार कर रहा था, और वीडियो होता है यहाँ पे ही ख़त्म। गाइस आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग था मेरा और चेरी का, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो सब लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आगे जाके। और हमारे पास तो ऐसा नहीं है ना, आईफोन है, ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल फ़ोन में वीडियो बनाना पड़ता है, तो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चल बाय बाय, चलेंगे न्यू वीडियो के साथ में एक।